गांधी आएंगी वैसे ही आपके साथ फिर से जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बढ़ते आगे ग्वालियर से अगली बड़ी खबर। पूर्व बागी मलखान सिंह कांग्रेस में शामिल होंगे। प्रियंका गांधी की आम सभा में मलखान सिंह पहुंचे हुए हैं। कांग्रेस में शामिल होने से पहले उनकी ओर से बीजेपी पर बड़ा हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी 50 से 52 सीटों में सिमट जाएगी। ग्वालियर चंबल अंचल के गेड़ों में अपनी खास पहचान बनाने वाले पूर्व बागी मलखान सिंह हमारे साथ हैं और मलखान सिंह आज कांग्रेस की सदस्यता लेने पहुंचे। मैं बात करता हूं, मैं जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी में अब आपको क्या अच्छा लगा, आप तो दूसरी पार्टियों में भी रह के आए। पार्टी को ये लगा कि भाजपा का मैंने बहुत प्रचार किया। भाजपा के लोग जो बताते थे पहले बहुत बड़ी सिद्धांत पार्टी है। अब मुझे जो लगा जब प्रचार करने के बाद 10-5 साल हो चुकी है देखा देखा तमाशा इनका ये निकला का गरीबों के साथ में भाजपा ने बहुत बड़ा अत्याचार शुरू कर दिया। गरीबों का जमीन छीनना, बहन बेटी के साथ में बलात्कार करना, किसी का आदि मर जाए उसका मुकदमा कायम न होना, उसको पकड़ना नहीं, कुछ नहीं होना, ये सारी भाजपा की एक रणनीति बनाई। अधिकारी इनके साथ बिके हुए हैं। अधिकारियों से जो क्या कर रहे हैं, ये इनको पहले शासन प्रशासन पे हावी रहता था, अब प्रशासन इन पे हावी है, इसलिए ये कुछ नहीं कर पा रहे। इन्हें मात्र पैसा चाहिए, इन्हें पैसे की होड़ लगी रही, इन्हें जनता का काम नहीं किया, इसलिए जो आज जो भीड़ है, लाखों की जो भीड़ प्रियंका जी की हो रही है, इसी कारण हो रही है इनकी देन से। भाजपा ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है, किसी ने नहीं भाजपा को निपटाया। भाजपा ने भाजपा को निपटाया, इनके कारनामे बहुत गंदे थे, खराब थे, गलत थे, कि इन लोगों की आप सिपरी से लगाए के, गुना से लगाए के, आप अशोकनगर से लगाए के सारी जमीनें गरीबों की इन्हें भाजपा वालों ने कब्जा कर लिया है। अब बताइए वो कहाँ जाएगा शिवराज। उसकी हमने आवाज उठाई तो आवाज मेरी दाबी, मैंने कहा मैं भाजपा में था, आपकी प्रचार किया, मुझे पद नहीं चाहिए। अगले अन्याय बर्दाश्त नहीं करें, मैं अन्याय की विरोधी है। अन्याय होगा तो कोई भी पार्टी हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस, हम आवाज उठाए। शिवराज, मलखान सिंह की अपनी इसीलिए पहचान रही है कि जो अन्याय करता है उसके खिलाफ ही लड़ते हैं, और अब इनको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है, इसलिए। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर। और फिलहाल इस